हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल बैंकर्स स्टडी में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका एलएनएमयू 2023 से 2027 की जो परीक्षा तिथि के बारे में आपको बात हो रही है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सेमेस्टर वन की जो परीक्षा तिथि है उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, और बाकी सभी यूनिवर्सिटी के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एलएनएमयू 2023 से 2027 के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट आते रहेगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों पता है आप लोगों को, परीक्षा फॉर्म भी भरा चुका है, सभी सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब बात आती है दोस्तों कि आपको एडमिट कार्ड कब आएगा और आपका परीक्षा तिथि कब होगी, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि हम आपको अब दिखाएंगे पेपर का कटाव, पेपर में जो आया था उसी का हम आपको कट करके दिखाते हैं फोटेज, जिसमें साफ लिखा हुआ है। देखिए, 18 से शुरू होगी यूजी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पहली बार CBCS के तहत स्नातक प्रथम वर्ष के पहले सेमेस्टर की परीक्षा 18 दिसंबर से आयोजित होने जा रही है। इसको लेकर परीक्षा विभाग तैयारियों में जुट चुका है। परीक्षा में 2.5 लाख से अधिक परीक्षार्थी में के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। 2.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चा परीक्षा में शामिल होने, एडमिट कार्ड बनने की प्रक्रिया समेत अन्य जरूरी कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। मतलब एडमिट कार्ड अभी आपका बन रहा है। बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार BA, BCom, BSc में सेमेस्टर सिस्टम में परीक्षा आयोजन की तैयारी पूरी की जा रही है। अब तक केवल PG कोर्सेज में ही सेमेस्टर की परीक्षा होती थी, मतलब इससे पहले सिर्फ PG कोर्सेज में ही सेमेस्टर की परीक्षा होती थी। आज तक कभी भी नहीं BSc, BCom और BA में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सेमेस्टर की परीक्षा होती थी, क्योंकि तो पहले दोस्तों Part 1, Part 2, Part 3 वाइज चलता था, हर साल में एक वो परीक्षा होता था। लेकिन अब इस साल से शिक्षा नियम के अनुसार आपका हर सेमेस्टर परीक्षा होगा, यानी 2023 से लेकर 2027 तक में आपको टोटल 8 परीक्षा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही कोई भी अपडेट और भी आएगी, एडमिट कार्ड आएगा तो हम उसके भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एडमिट कार्ड कैसे देखना है सभी की इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो हम आपको फिर से बता देंगे। थैंक यू।